लगते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में पढ़ाई करते होंगे। आज मैं कारक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सो ध्यान देकर सुने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे हम कारक कहते हैं। जैसे इसी ग्राम में पिता ने अपने पुत्र का विवाह किया था, तो इस वाक्य में ग्राम में पिता ने पुत्र का विवाह, ये सब क्या हो गया? कारक शब्द। लेकिन इसमें चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। इसमें चिन्ह क्या है? में, ने, का। लेकिन ये चिन्ह हम कैसे समझेंगे? इसके लिए मुझे कारक के भेद पढ़ने होंगे। तो हम लोग जानते हैं जो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद, आप सभी भी जानते हैं। तो इस कारक के भेद का पहले हम नाम पढ़ेंगे, इसके बाद नाम के बाद चिन्ह पढ़ेंगे। तो पहले नाम क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब इसका चिन्ह, सबका चिन्ह अलग अलग है। इसके जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री ना ने नी, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे, अरी, ओ री, अरे, ये सब क्या है? संबोधन का चिन्ह। इसलिए हमको सबसे पहले चिन्ह जानना बहुत जरूरी है। हम जो कोई भी कारक पढ़ेंगे उसके साथ कारक के साथ एक एग्जाम्पल, जिसको उदाहरण बोलते हैं, वो भी देंगे, क्योंकि बिना उदाहरण का समझ में नहीं आएगा जी ये कौन सा कारक है। लेकिन कारक समझने के लिए पहले मुझे 8 कारक याद करना होगा, 8 कारक याद करना होगा, 8 कारक का चिन्ह याद करना होगा। अगर हम 8 कारक या चिन्ह याद नहीं करेंगे तो हम कभी भी कौन सा कारक है पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे क्या है, पहले कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भेदों के क्या नाम है, क्या चिन्ह है, इसको एकदम से याद कर लेना है। याद मतलब रट जाना है, कभी भूलना ही नहीं है। अगर हम इतना सारा ये पढ़ जाएंगे तो हम सचमुच में कुछ भी अगर आएगा हम बता सकते हैं ये कौन सा कारक है। जो कैसे बताएंगे ये चीजें फिर हम आगे बता रहे हैं। अभी पहले सबसे पहले आते हैं जो कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिससे रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है तो बालक क्या हो गया? कर्ता। तो क्या होगा? करने वाला। बालक क्या करता है? तो बालक पढ़ता है। यहाँ कर्ता का अर्थ क्या हो गया? करने वाला। करने वाला कौन हो गया? बालक। समझ में आया? जैसे लड़कियां खेलती है तो लड़कियां को क्या हो गया? कर्ता। लड़कियां क्या हो गई? कर्ता। उसी तरह अब आते हैं कर्म कारक में। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे सिर ने चूहिया को पकड़ लिया तो चूहिया क्या हो गई? कर्म। कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस क्या हो गया? कर्म। माने कृष्ण क्या किया? कंस को मारा, तो अपना कर्म किया। अब आते हैं करण कारक में। करण कारक किसे कहते हैं? जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिखता है तो बालक क्या करता है? कलम से लिखता है। तो कलम क्या हो गया? साधन। मालगाड़ी द्वारा माल भेजो तो मालगाड़ी द्वारा, तो मालगाड़ी के द्वारा क्या माल भेजो तो क्या हो गया? मालगाड़ी क्या हो गया? माल क्या हो गया? उसका साधन। अब आते हैं संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ दिया जाए या कुछ लिया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालक को बर्फी दो तो क्या हो गया? देना। कुछ दिया जाए या कुछ लिया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो बालक को बर्फी दो तो बर्फी क्या किए? दिया। और मेरे लिए क्या लाओगे? तो मेरे लिए लेना। क्या लाओगे? तो दिया जाए और लिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। इससे हम समझ में आ जाएगा ये कौन सा कारक है। अब आते हैं अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथक मतलब अलग होने का अर्थ हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। बालक छत से गिर गया तो ये बालक क्या हो गया? छत से
अलग हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, अपादान कारक। अब एक चीज और इसमें प्रॉब्लम है, दिक्कतें आएगी, जो जो कि अपादान कारक और करण कारक दोनों का चिन्ह सेम है, यानी उसका चिन्ह क्या है, से। अब यहाँ पर में समझ में नहीं आता है, यहाँ पर है पेड़ से पत्ते गिरते हैं और लक्ष्मण बस से स्कूल गया। अब इसमें कैसे समझ में आएगा ये अपादान कारक है या करण कारक है? तो मैं पहले बता चुकी हूँ, करण कारक में साधन का प्रयोग होता है और अपादान कारक में अलग होने का प्रयोग होता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो गया, और साधन साधन क्या हो गया, लक्ष्मण बस से स्कूल गया। तो लक्ष्मण बस से स्कूल गया, तो स्कूल के बस से स्कूल गया, तो बस क्या हो गया, साधन। तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज हमको पढ़ना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बार बार मैं बोलती हूँ, जो इसके लिए आपको परिभाषा याद करना होगा, परिभाषा के साथ एग्जाम्पल भी समझना होगा, जब आप बुक खोलेंगे तो समझ में आएगा। अब आते हैं संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र क्या हुआ, दशरथ के साथ पुत्र का क्या हुआ, संबंध हुआ, पिता और पुत्र का संबंध हुआ। जैसे राम की पत्नी, राम की, राम के साथ उसकी पत्नी का क्या हुआ, संबंध हुआ। उसी तरह क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संबंध कारक, जिससे किसी का संबंध हो उसको संबंध कारक कहते हैं। अब आते हैं अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, तो कहाँ खिले हैं, तो तालाब में। यहाँ क्या दिया, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यहाँ आधार क्या हो गया, तालाब में। कक्षा के कमरे में विद्यार्थी हैं, कक्षा के कमरे में विद्यार्थी, कमरे में विद्यार्थी हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है, तो पेड़ पर क्या है, बंदर, तो पेड़ पर क्या हो गया, आधार। इसी को बोलते हैं अधिकरण कारक। अब संबोधन कारक। संज्ञा या जिस रूप से किसी को संबोधित या पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। कैसे, जैसे हे, अरे, अजी, इसे हम संबोधन कारक से बना भी सकते हैं, अरे रमेश इधर आओ, तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक। अगर किसी को संबोधन मतलब किसी को पुकार के बुलाना, ये हो गया संबोधन कारक। इसके लिए ये आठों कारक का परिभाषा है। इस सभी परिभाषा को आप सभी याद करेंगे, पहले मैं बोल चुकी हूँ कारक, आठों परिभाषा, चिन्ह, और इसके बाद आप सभी ये जब याद हो जाएगा तब खुद से आप सेंटेंस बनाएंगे और उसको समझ में आएगा कि कौन सा कारक है। जैसे मैं कुछ बता रही हूँ, जैसे आप लोगों को खास करके 9-10 बच्चे को लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, क्योंकि 10 में कारक चैप्टर आता ही है, आप सभी के लिए ये 4 क्लास से लेके 10 क्लास तक के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो और हमारे क्लास 10 और 9 के बच्चे को ज्यादा करके जो इसको एकदम से रट जाना है। हम तो डेफिनेशन यानी परिभाषा तो हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें अगर हम व्याकरण में चाहेंगे जो कुछ हम मन से बना के लिख दें तो ऐसा संभव नहीं है। हम मन से बचा के परिभाषा, हम रूल्स रेगुलेशन हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमको ये याद करना होगा, समझ में आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए फिर बताती हूँ, वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको अगर परिभाषा याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें चार ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन में से आपको टिक करना होगा, जैसे कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, ऐसे दे दिया। तो आपको अगर इसका परिभाषा याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है सो समझ में आ जाएगा। इसका आंसर होगा कर्ता कारक, क्योंकि बोला है वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसके बाद कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए मुझे इस चैप्टर को हम समझा दिए हैं, आशा करते हैं आप अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग, और सभी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ना ही है आप सभी को, क्योंकि ये व्याकरण चीज ऐसा है जो आपको 12 तक काम आएगा, इसलिए इस चीज को भूलना नहीं है, अच्छा से पढ़ाई करेंगे। 9-10 के लिए मेरा ज्यादा करके है, जो बच्चों को 9-10 के बच्चे के लिए ज्यादा करके है, इसलिए ज्यादा करके है क्योंकि ये चैप्टर 10 में आता ही है, जैसे हम बताए हैं वैसे ही पढ़ाई करना है,
बस और ज़्यादा कुछ नहीं। और नेक्स्ट चैप्टर फिर दूसरे रोज बताऊंगी, अभी बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।